पानी है इसमें, पानी पहली बात तो हो, ठंडा तो बात की बात है, पानी तो है थोड़ा सा है, एक ग्लास निकल गया। पहले समझ लो, लोअर लिमिट वन, अपर लिमिट फाइव, ठीक है। और यहां मॉडुलस में मैंने दिया आपको एक्स माइनस टू, तो आपको पहले पता लगाना है वन और फाइव की रेंज में एक्स माइनस टू नेगेटिव कितना है और पॉजिटिव कहां से कहां तक है। हाँ सर वो हो गया होगा, अरे सर बिल्कुल लगाओ, आप ये यूज कर लो, नहीं तो नहीं सर अभी यूज वाला पार्टी नेक्स्ट। अच्छा अच्छा ठीक है सर, तो ये रो ना सर, ये निकाल, हाँ हाँ ये हाँ ये मेरा ही है, ये मेरे बैग करके घूमता हूँ मैंने। आप सर ये यूज कर लो, करना तो ये भी कर सकते हो। ओके अब देखो इसका करने का तरीका क्या है, बहुत जल्दी से बात करते हैं। आप चाहो तो एक नंबर लाइन बना लो, यहाँ रफ में या फेयर में मर्जी है, नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे वन और राइट हैंड साइड पे फाइव लिख लो, ये वन और फाइव हो गए। इस मॉडुलस को अपने मन में जीरो से इक्वेट करके एक्स की वैल्यू बोलो टू, वो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आती है तो उसको यहाँ पे टू लिख लो ऐसे। अब आप मेरे को वन और टू के बीच में कोई भी रैंडम नंबर बोलो, 1.5 में से अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है। मॉडुलस सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ ये वैल्यू सॉल्व करो नेगेटिव, तो आपका पहला इंटीग्रेशन आएगा 1 से 2, 1 लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट, x माइनस 2 का इंटीग्रेशन करोगे विद नेगेटिव साइन dx। अब मेरे को 2 और 5 के बीच में कोई रैंडम नंबर बोल दो, 3 ले लो, 3 में से 2 माइनस करोगे इस बार ये पॉजिटिव आएगा तो प्लस लगाओ, और दूसरा इंटीग्रेशन 2 और 5 का बनाएंगे जिसमें ये x माइनस 2 आएगा विद पॉजिटिव साइन। ये इस तरह से इंटीग्रेशन आपका दो पार्ट में ब्रेक हो गया मॉड के केस में। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 5, नंबर लाइन तो बना ली ऐसे, इसको जीरो से इक्वेट करके जो x की वैल्यू आई वो यहाँ बीच में लिख दी हमने, जो भी वैल्यू आई क्योंकि बीच में आ रही है, 1 और 2 के बीच में कोई रैंडम नंबर मन में सपोज कर लिया, लेट से 1.5, 1.5 में से 2 माइनस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव साइन लगाया, x माइनस 2 लिखा, इंटीग्रेशन बनाया 1 और 2 के बीच। अब 2 और 5 के बीच में एक नंबर ले लिया हमने मन में अपने, 3 ले लिया जैसे, तो 3 में से 2 किया ये पॉजिटिव आ रहा है तो प्लस साइन लगाया, x माइनस 2 का इंटीग्रेशन करेंगे प्लस वाला और लिमिट रखेंगे 2 और 5। अब बस मेरे को ये बताओ ये x माइनस 2 का इंटीग्रेशन आप करोगे कैसे, राइट इसमें दो ऑप्शन होते हैं, आप इन दोनों का अलग अलग भी कर सकते हो, उसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बेटर वे ये है माइनस को बाहर रहने दो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 ऐसे कर लो, इसमें लिमिट पुट करना ज्यादा आसान काम होता है। अब देखो लिमिट कैसे पुट करेंगे, ये काम जरा थोड़ा ध्यान से करना है, जल्दीबाजी में नहीं करना है, ये वाला माइनस यहीं पे रहेगा अपनी जगह, आप पहले इसमें अपर लिमिट 2 रखोगे, सॉल्व करके बताओ 2 माइनस 2 तो 0 अपॉन 2, ये फर्स्ट वैल्यू आपकी 0 हो जाती है, फिर आप माइनस लगा के लोअर लिमिट लोगे 1, यहाँ पे 1 रखो, आप माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर कर दो 1 अपॉन 2 हो गया, ये पहला इंटीग्रल आपका पूरी तरह से सॉल्व हो गया। अब जरा इसमें आ जाओ, ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होने वाला है, ये एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 और ये ब्रैकेट में करेंगे ये 2 और 5, अजय जरा पहली लिमिट 5 पुट करना इसमें, करेक्ट 9 अपॉन 2 माइनस, अब लोअर लिमिट 2 पुट करो 0, सिंप्लीफाई कर लो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस 9 अपॉन 2 ये हो गया 10 अपॉन 2, आंसर हो गया 5। आप पहले मुझे दो सिंगल मॉडुलस करके दिखाओ, फिर मैं आपको ट्रिपल मॉडुलस का भी क्वेश्चन कराया। मैं फिर से बताता हूं, जैसे मैं एज ए स्टूडेंट इसको सॉल्व कर रहा हूं एग्जाम में, तो ये मेरा पहला स्टेप, और ये नंबर लाइन मैं चाहूं तो शो करूं चाहूं तो ना शो करूं, 1 और 5 के बीच में मैंने 2 कहां से लिया, इसमें से निकाली x की वैल्यू वो यहां लिखी, फिर मैंने रैंडम नंबर चूज किया 1 और 2 के बीच में, लेट से 1.5 यहां पुट किया, मेरे को मिला ये नेगेटिव, नेगेटिव साइन लगाया, x माइनस 2 लिखा, इंटीग्रेशन बनाया 1 और 2 के बीच में, ये 1 और 2 के बीच में हो गया, फिर 2 और 5 के बीच में एक और इंटीग्रेशन आएगा, उसमें इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो प्लस का इंटीग्रेशन आएगा और इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दिया। दे दूं मैं अगला,
नहीं कोई जरूरी नहीं, पहली पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव भी आ सकती है। हाँ अगर यहाँ पे थ्री वैल्यू होती x माइनस थ्री होता तो यहाँ पे थ्री लिखते आप नेगेटिव होता। हाँ तो ये वाला इंटीग्रेशन नेगेटिव आएगा, ये वाला पॉजिटिव आएगा, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है। अगर मैं इसको फोर माइनस एक्स कर दूं तो चेंज हो सकता है। जीरो टू फोर लिमिट है, अपर लिमिट फोर लोअर लिमिट जीरो और मॉडुलस में एक्स माइनस टू है। अब ये वाला आंसर निकाल के दिखाओ, ये आपका एनसीईआरटी का है। बिना गलत किए वन टाइम में सही आंसर देना, कैलकुलेशन ध्यान से करना। लो तीन मॉडल्स के इन्होंने भी दिए हुए, एनसीईआरटी ने भी दिए हुए। थोड़ा जल्दी भाई, फोर आ रहा है, और कोई बताएगा भाई आंसर? यश का आंसर फोर है। अगर डाउट हो तो पूछ लेना, उठना मत। मेरा जीरो है। आपका जीरो आ रहा है, ओके जी। अब जीरो और फोर दो आंसर है मेरे का। फोर आपसे एक बार चेक कर लो, फोर किसका आ रहा है? आदित्य का, केतन, केतन का फोर आ रहा है। दो जीरो है, दो फोर है, अजय का भी जीरो आ रहा है। यश एक बार चेक कर लो, फोर ही आ रहा है क्या? यश और केतन, नीलिमा नहीं आ रहा, फोर आ रहा है। तीन आंसर फोर आ रहे हैं अब और दो आंसर जीरो आ रहे हैं। जागृति बताओ जल्दी। शुभम क्या मैं फिर से समझा दूं? इसका आंसर फोर आ रहा है भाई, जीरो नहीं आ रहा है। अनुष्का जीरो नहीं आ रहा है बेटा, फोर ही आ रहा है। एक बार फिर से देखो, कहीं मिस्टेक हो गई आपसे, फिर से समझो आप। यहां से एक्स की वैल्यू टू आ रही है, मैंने टू यहां बीच में प्लॉट कर दी, ठीक है। अब पहला इंटीग्रेशन मेरा जीरो और टू के बीच में बनेगा, बस मुझे ये चेक करना है नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जीरो टू के बीच में कोई रैंडम नंबर लेके इसको चेक किया तो नेगेटिव आ रहा होगा आपका भी, और टू और फोर के बीच में कुछ पुट करोगे तो ये पॉजिटिव आ रहा हो। ये दो इंटीग्रल ठीक है आपके, साइन वगैरह चेक कर लो। अब इसका मतलब इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट पुट करते हुए गलती हुई है। एक्स माइनस टू का इंटीग्रेशन, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर अपॉन टू, यहां लिमिट पुट करेंगे लोअर जीरो अपर टू। तो पहले अपर पुट कर लेते हैं, चलो अपर यहां पुट करना जरा। जीरो हो गया, जीरो लिखा जाएगा, माइनस लगाएंगे। अब यहां जीरो पुट कर लो तो माइनस टू का स्क्वायर फोर, फोर डिवाइडेड बाय टू, ये टू बन गया। अब इसमें आ जाओ, ये वाला हो जाएगा आपका एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर अपॉन टू, इसको ब्रैकेट में करके लिमिट पुट करेंगे लोअर टू अपर फोर। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फोर, फोर माइनस टू टू, टू का स्क्वायर करेंगे फोर, फोर इस वाले टू से डिवाइड होगा, टू आ जाएगा। और जब टू रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। सिंप्लीफाई करो, ये माइनस माइनस प्लस टू एंड प्लस टू, तो आंसर फोर हुआ। अब बताओ जीरो कैसे आ रहा था जी? और आस्था आपका भी जीरो आ रहा था? मैंने वैल्यू पुट कर दी थी। ट्राई करो एक और, सही आंसर देना इस बार भाई सब लोग। सर पहले अपर लिमिट डालनी है ना? हमेशा पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। टू से एट मॉडुलस एक्स माइनस फाइव, बिना गलत के आंसर देना भाई। लोअर लिमिट टू अपर लिमिट एट मॉडुलस में एक्स माइनस फाइव।
नाइन आ रहा है, ओके। यश का जरा आंसर नाइन आया भी, और जिसका आ जाए बता देना। नाइन आ रहा है, नाइन नाइन ही आ रहा है, दो तीन बच्चों का नाइन मैच होगा। नाइन आ रहा है, क्या मैं करके बताऊं दोबारा से? आ गया नीलिमा, जानवी का भी नाइन आ गया, ठीक है। क्योंकि सिंगल मॉडलस कर पाओगे तभी मैं आपको बता पाऊंगा ट्रिपल मॉडलस वाला। शुभम, ट्रिपल मॉडल्स का इसमें एक दिया हुआ है, वो मैं आपसे करवाऊंगा, मैं एक आपको अपना वाला करवा दूंगा। कितना चार्ज हो रहा है? शुभम बताओ, श्योर आ गया? नीलिमा ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, लोअर लिमिट वन अपर लिमिट फोर, मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स माइनस टू प्लस मॉड एक्स माइनस थ्री, तीन मॉडल्स एक साथ, तीन भी हो सकते हैं दो भी हो सकते हैं, चार का नहीं आएगा, चार ज्यादा हो जाएंगे, एक तो आप कर ही रहे हो। अब करना है क्या है सुनो, आपने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, नंबर लाइन बना लो, लोअर लिमिट को यहां रख लो एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर पे, अपर लिमिट को यहां रख लो लाइट एक्सट्रीम कॉर्नर पे, ठीक है। तीनों मॉडल्स से एक एक करके आप मुझे एक्स की वैल्यूज बोलते जाना। पहले वाले मॉडल्स से एक्स की वैल्यू वन, वन मेरे पास ऑलरेडी है, दूसरे वाले मॉडल्स से टू, टू मैंने प्लॉट कर ली, तीसरे वाले मॉडल्स से थ्री, थ्री भी मैंने प्लॉट कर ली। क्या ये क्लियर है? तुम आगे चलो, ओके। अब आप मेरे को, गोयल जी को क्या हो गया, अब आप मेरे को वन और टू के बीच में कोई एक नंबर बोलो, 1.5 में से अगर वन माइनस होगा नेगेटिव पॉजिटिव, यहां की बात कर रहे हैं ठीक है, पॉजिटिव तो प्लस लिखा है, देखो मैंने ये, टू और थ्री के बीच में कोई नंबर बोलो, सॉरी वन और टू के बीच में 1.5 लिया था ना हमने, 1.5 को यहां रखो अभी, ये नेगेटिव, और 1.5 को यहां रखो, ये भी नेगेटिव। क्या ये क्लियर है? जब आप x को 1 और 2 के बीच में ले रहे हो तो x को जब 1 2 के बीच में ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव है, बाकी दो नेगेटिव। अब आप लो मेरे को 2 और 3 के बीच में कोई नंबर बताओ, चलो 2.5 लेते हैं ठीक है, 2.5 यहां पुट करो, पॉजिटिव, दूसरा वाला भी पॉजिटिव और तीसरा वाला नेगेटिव, ये इस इंटरवेल के बीच में है। अब आप 3 और 4 के बीच में आ जाओ, 3 4 के बीच में कोई नंबर, 3.5, सारे पॉजिटिव, बिल्कुल सही बात है, सारे पॉजिटिव। क्या ये क्लियर है? अच्छा, अब पहला इंटीग्रेशन जो 1 और 2 लिमिट्स के बीच में होगा, ये हो गया 1 और 2, आप ये सारे ब्रैकेट ओपन करके मुझे बताओ सॉल्व करके क्या आ रहा है, रफ पेपर यूज कर सकते हो आप, ये सारे ब्रैकेट ओपन करके काट पीट के प्लस माइनस करके मुझे बताओ क्या बच रहा है। ये पहला वाला प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5, प्लस 5 में से बन गया 4 और एक्स एक्स कर गया, ये 4 माइनस एक्स आ रहा होगा, चेक करो, यही आ रहा है, चेक कर लो, प्लस माइनस तो कर लोगे ना। चलो दूसरा इंटीग्रेशन, दूसरा इंटीग्रेशन है 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में इन तीनों ब्रैकेट को ओपन करके बताओ क्या बचा, खाली x बचा, तो x का इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस तीसरा इंटीग्रेशन 3 और 4 के बीच में बनेगा और इसको सॉल्व कर लो तो ये बन रहा होगा 3x-6। अगर आप इतना यस बोलोगे तो हम इसको आगे सॉल्व करना शुरू करें। क्या ये क्लियर है? तो इस तरह से आपने तीन मॉडल्स को तीन इंटीग्रल के अंदर देखो पॉलीनोमियल फंक्शंस में बना के कन्वर्ट कर दिया, और आप ऐसे शो कर सकते हो जैसे मैं लिख रहा हूं। हम वो लिखते हैं जो हमारी कॉमन लैंग्वेज होती है, हम बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से नहीं करते। चलो जी, अब आप एक काम करो, मुझे 4-x का इंटीग्रेशन ध्यान से बोलना, जो बोलोगे वही लिखूंगा, बोलो।
4 minus x divided by minus 1. Divide by? Minus 2 क्यों? वैसे तो 2 होता है. Right. ये coefficient वाली बात नहीं भूलनी है, minus 2 आए. ठीक है, इसको ब्रैकेट में करेंगे और इसकी लोअर लिमिट 1 होगी, अपर लिमिट 2 होगी. चलो दूसरा वाला तो बड़ा आसान है, मैं खुद ही लिख लेता हूँ. x square upon 2. इसकी लोअर लिमिट 2 होगी, अपर लिमिट 3 होगी. एक लास्ट वाला और बताओ. चलो 3x minus 6 का होल स्क्वायर अपॉन तो 2 होता है, तो आप 6 क्यों बोल रहे हो? 3x का कोफिशिएंट है, वो 3 यहाँ पे डिवाइड में रखना है, तो इसलिए हमने उसको 6 बना दिया है बस. और अब बात यह है लिमिट को पुट करने की, ये काम बहुत ध्यान से करना है. जागृति यहाँ पे जरा अपर लिमिट पुट करो, 2. 4 minus 2, 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 को minus 2 से डिवाइड कर दो, minus 2. अब बीच में माइनस लगाओ, अब जरा 1 पुट कर दो यहाँ पे, 9 by minus 2, तो ये बीच वाला माइनस प्लस हो जाएगा. क्या ये सही में आया? ठीक है, पहला हो गया सॉल्व. दूसरा सॉल्व करें, यहाँ पे पहले अपर लिमिट 3 रख लो, 9 by 2, माइनस अब 2 रख लो, 4 by, यानी कि ये बन जाएगा 5 by 2. अब तीसरे में आ जाओ भाई, ध्यान से जरा, यहाँ पे 4 रख के सॉल्व करके बताओ, कर लो सॉल्व. 6 है क्या? 6 बोला है, देख लो, मतलब सॉल्व कर लो आराम से. 6 आ रहा है, ठीक है. फिर माइनस, अब जरा 3 रख लो यहाँ पे, 3 upon 6, 9 upon 6, 9 upon 6 यानी 3/2 तो हो गया. चलो कोई बात नहीं, बाकी सॉल्व करते हैं. 2 into 2, 4, 9 में से 4 गए, ये 5/2, ये भी 5/2, और ये 36, 36 में से 9 माइनस करेंगे कितने बचे? 27/6, 27/6 का मतलब कितना हो गया? 9/2, तो 5/2, 5/2, 9/2, टोटल आंसर हो गया 19/2. ये फुल एंड फाइनल आंसर है, जो मैच होना बहुत जरूरी है. Yes, एक बार स्टेप को रिकॉल करते हैं. 3 मॉडुलस एडिशन में डाल दिए, कुछ लिमिट्स डाल दी हमने, पहले 1 और 4 की एक नंबर लाइन बना ली. हर मॉडुलस से x की वैल्यू को निकाल के मॉडुलस वाली नंबर लाइन के ऊपर असेंडिंग ऑर्डर में रखते चले. x की वैल्यू 1 पहले से थी हमारे पास, x की वैल्यू 2 प्लॉट की गई, x की वैल्यू 3 प्लॉट की गई, अपर लिमिट 4 यहाँ पे आ गई. अब ये नंबर लाइन आपको बता रही है कि कितने इंटीग्रेशन सॉल्व होने हैं. 1, 2, 3, 3 इंटीग्रेशन बनाने हैं. अब इंटीग्रेशंस के अंदर फंक्शंस क्या होंगे, अब जरा वो समझो. हमने 1 और 2 के बीच में मन में एक रैंडम नंबर लिया, 1.5 लिया. 1.5 को जब इसमें रखा तो ये पॉजिटिव आया, 1.5 को जब इसमें रखा तो ये नेगेटिव आया. देखो -x -2, 1.5 को जब इसमें रखा तो ये भी नेगेटिव आया. जब हमने सारे ब्रैकेट सॉल्व किए ओपन करने के बाद, तो ये बचा सॉल्व करके 4 - x, वो हमने यहाँ पहले इंटीग्रेशन में डाल दिया जो 1 और 2 के बीच में था. अब हमने लिया 2 और 3 के बीच में, तो लोअर 2 अपर 3. हमने रैंडम नंबर ले लिया 2.5, पहला पॉजिटिव आया, ये ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, दूसरा पॉजिटिव आया, तीसरा नेगेटिव आया. अब हमने इनको सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व करके खाली x बचा, तो 2 और 3 का इंटीग्रेशन x के लिए आ गया. क्लियर? ऐसी हमने तीसरा कर लिया. अब आप ट्राई कर लो क्वेश्चंस, ये मैं रब नहीं करता, लिखा रहेगा. क्वेश्चन नंबर 5, ये एनसीईआरटी का जो मैं दे रहा हूं. लोअर लिमिट 0 है इसमें, अपर लिमिट 4 है, मॉड x है, मॉड x माइनस 2 है, मॉड x माइनस 4 है. आपको तो आसान वाला दिया है. 3 मॉडुलस इसमें भी है, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 4 है. ठीक है, नंबर लाइन बनाओ, x की वैल्यू प्लॉट करो और फिर पता चलेगा कितने इंटीग्रेशन सॉल्व हो. x की वैल्यूज क्या क्या रही है वैसे? 0, 2, 4, तो मेरे ख्याल से बीच में तो एक ही आएगी 2, तो आपके 2 इंडिकेशन बनने वाले हैं बस, 0 से 2 और 2 से 4.
जी आया किसी का आंसर? कोई थर्ड पार्टी इंटरवीन करो, पता चलेगा। तब मेरा कुछ और आ रहा है। आपका क्या रहा था? 20 भाई, नया मार्केट में आया एकदम अभी। 6, 20, 36 तीन आंसर हैं जी, वैरायटी है हमारे पास, ऐसी बात नहीं है। देखते हैं चौथा आंसर, मैं देखना पड़ेगा, मैं देख नहीं रहा, छोड़ो अभी देख के बताता हूँ। पहले आप लोग बताओ भाई, 6, 20, 36 कुछ तो आ रहा होगा, बोलो बोलो। ओहो, न्यू मार्केट में एकदम 30 एकदम से नया, भांति भांति प्रकार के आंसर। ओए फाइव, ये मजेदार बात है बिल्कुल। पांच बच्चे, पांच डिफरेंट आंसर। क्वेश्चन एक है, एक अनार है 100 बीमार है। शुभम नीलिमा आप लोग बताओ भाई, अभी देखते हैं आंसर। मैं देखा नहीं, देखता हूँ, रुको। इसमें एनसीईआरटी का ही है, हैंडबुक में है। लो देखो आंसर, हो सकता है इसमें से कोई ठीक हो, ये हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। और फोर ये अच्छा है, देखो सीक्वेंस बन रही है, 4, 5, 6, 7 रह गया बस, एक लकी 7। अच्छा मैं आंसर देख ही लेता हूँ, चलो इसका 3.5 एक्सरसाइज है ये। भाई इसमें ना क्वेश्चंस का लेवल टफ है वैसे। सर मेरा 28 आ रहा है। 28, वन मोर। सबके आंसर अलग अलग है, आंसर है वही देख रहा हूँ, आंसर बताने जा रहा हूँ, उसमें राज खोलने वाला हूँ मैं ये, अभी देखता हूँ। अच्छा 6 किसका था ये पहला वाला? आस्था 6 का। और 20 किसका था ये? सर मेरा 20 आस्था का था, ठीक है। और ये 36 था केतन का मेरे ख्याल से। अच्छा कौन सा क्वेश्चन है ये? ओहो ये वाला तो रॉन्ग हो गया है भाई, और जो ये है ना ये भी रॉन्ग हो गया है, ये रॉन्ग हो गया है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। अब बताओ आप, आस्था का आंसर करेक्ट है, 20 इसका आंसर है। चलो देखते हैं कहाँ गलती हुई, ठीक है, मजाक की बात नहीं है, अभी देखो सीरियस मैटर है। आपका ये नंबर लाइन हो गई 0 और 4, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू 0 आ रही है, ऑलरेडी हमारे पास है। यहाँ से 2 आ रही है, हमने प्लॉट कर लिया। यहाँ से 4 आ रही है, ऑलरेडी हमारे पास है। 0, 2 के बीच में हमने नंबर ले लिया, 1 ले लिया, मान 1 यहाँ पुट किया पॉजिटिव, 1 यहाँ पुट किया नेगेटिव, 1 यहाँ पुट किया नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें लिखते हैं 2 और 4 के बीच में 3 ले लिया, पहला पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव और तीसरा नेगेटिव, राइट जैसे लिख लिया आपने, इंटीग्रेशन बनाया पहला 0 और 2 के बीच में, ये सारे ब्रैकेट ओपन करके क्या बचा है बोलो? -x + 6 यानी कि 6 - x लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा इंटीग्रेशन 2 और 4 के बीच में, बोलो x + 2 बचा है, कैसे? एक x तो कट ही जाएगा भाई, ब्रैकेट खोलने से एक x तो कट जाएगा ना, और +4 - 2 x + 2 बचा होगा। तो पहले इंटीग्रल चेक करो, क्या ये मैच हो गए आप लोगों को? यहां तक आपको एक नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि आपने बस इंटीग्रल बनाया है, एक नंबर मिल जाएगा। चलो इंटीग्रेशन करते हैं, 6 - x का होल स्क्वायर अपॉन बोलो -2, और इसमें लिमिट डालेंगे 0 लोअर अपर 2, और दूसरा इंटीग्रल सॉल्व करते हैं
तो ये आएगा x प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन टू, इसमें अपर लिमिट फोर और लोअर लिमिट टू पुट करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ पे टू रखेंगे तो छह में से दो माइनस किया चार हो गया, चार का स्क्वायर किया सोलह हो गया, सोलह जब माइनस दो से डिवाइड हुआ तो माइनस का आठ हो गया, फिर हमने माइनस लगाया लोअर लिमिट वाला। अब हम यहाँ पे जीरो रख रहे हैं तो छह माइनस जीरो छह हो गया, छह का स्क्वायर किया थर्टी सिक्स हो गया, थर्टी सिक्स माइनस टू से डिवाइड हो गया तो माइनस एटीन हो गया, तो बीच का जो माइनस था वो प्लस एटीन हो गया। ये पहला आंसर है। अब दूसरा आंसर निकालते हैं, यहां पे पहले हम फोर रख रहे हैं, भाई ये माइनस हम लगाते हैं लेकिन वो माइनस प्लस क्यों हो गया, क्योंकि हमारी लोअर लिमिट की वैल्यू माइनस में आ गई। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, पहले हमने यहाँ पे फोर रखा, फोर प्लस टू सिक्स हो गया, सिक्स का स्क्वायर किया थर्टी सिक्स हो गया, थर्टी सिक्स को टू से डिवाइड किया एटीन हो गया, ये लोअर लिमिट का माइनस आ गया। अब यहाँ पे टू रखा तो टू प्लस टू फोर हो गए, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन हो गया, सिक्सटीन टू से डिवाइड हुआ एट हो गया। अब ये अठारह में से आठ गए दस बचे, वहां पर अठारह में से आठ गए ये भी दस बचे, और दस प्लस दस ट्वेंटी हो गया, दस होने का चांस नहीं है, थोड़ा ध्यान से कर। हाँ चलो एक ही बात है, तो आपने उसको टू लिख दिया, अच्छा इसलिए ना सिक्स माइनस एक्स लिखना बेटर होता है हमेशा, माइनस एक्स प्लस सिक्स अच्छा, उसको सिक्स माइनस एक्स, क्या क्लियर है। मैं और नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको इसकी वर्कशीट में डाल दूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट सही नहीं आ गया। अब मैं इसमें देख रहा हूँ आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ये तो कोर मैथ्स वाले भी नहीं करते, देखो मॉडल्स वाले तो वो भी करते हैं, कोर मैथ्स वाले बच्चे ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शन जो होते हैं वो कॉम्पिटिशन लेवल पे करते हैं, अकेडमिक लेवल पे नहीं होते हैं ट्वेल्थ पे, लेकिन आपके एनसीईआरटी की हैंडबुक में दिए हुए हैं। कौन सा अच्छा वो शॉर्टकट बाय पार्ट्स में, नहीं नहीं वही करते हैं, वो यूज नहीं कर सकते बोर्ड में वो लोग, वो पूरा करना होता है, आपको सिखा दिया मैंने जो मेरे पास, मतलब शॉर्टकट है, मतलब एक इंप्रेशन जाना हो किसी के ऊपर वो इसलिए है, बाकी बोर्ड में करोगे ना टीचर काटेंगे पूरा ठीक करेंगे उसको। अच्छा जी अब आप समझो पहले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, पहले इस फंक्शन की जानकारी थोड़ी सी ले लेते हैं जरा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है ये एक स्पेशल ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे लिखा जाता है, और जब ये आता है तो वहां पे मेंशन किया जाता है वेयर दिस ब्रैकेट डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका पहले रोल समझ लो आप फिर क्वेश्चन करेंगे। ये बड़ा ही अच्छा फंक्शन होता है, लेकिन एक बात पे गुस्सा हो जाता है ये, जब हम इसमें एक्स की वैल्यू नॉन इंटीजर पुट करते हैं तो ये गुस्सा हो जाता है, और जब ये गुस्सा हो जाता है तो उस वैल्यू को ये छोटा करता है, गुस्सा हो गया ना बड़ा नहीं करेगा, कहेगा छोटा करो गुस्सा है, तो ये उस वैल्यू को छोटा करके इंटीजर बनाता है। जैसे देखो ये मैंने इसमें 7.29 रख दिया, इसने देखा इंटीजर नहीं दिया मेरे को, अभी क्या हो गया गुस्सा हो गया, तो इस वैल्यू को क्या करेगा छोटा करके जो इससे नियरेस्ट इंटीजर है वो दे देगा 7। चलो आप बताओ -10.9 -11, बच्चे गलती से इसको -10 कहते हैं छोटा कर तो दिया हमने, हटा दिया 0.9, वो बड़ा हो गया एक्चुअल में, क्या देगा ये इसको -11। चलो अब बताओ 7 पूरा 7 दे दिया इसको, अभी गुस्सा नहीं हुआ, कूल एंड काम 7 का 7। अब बताओ चलो ध्यान से बताना अंडर रूट 2 सोच के बताओ 1, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है अंदाजे से 1.414, तो ये 1 दे देगा। इंटीजर दोगे तो इंटीजर रखेगा, नॉन इंटीजर दोगे छोटा करके नियरेस्ट इंटीजर बनाएगा बस। चलो एक और बता दो, -4 चलो अब बता दो इंटीजर है तो इंटीजर ही रखेगा, तो 3 कर दो, छोटा करेगा नॉन इंटीजर पे और इंटीजर को इंटीजर दे देगा, -9 को -9 और अगर 7 है तो 7, बाकी नॉन इंटीजर को सबको छोटा करके इंटीजर बनाया, नॉट डिफाइंड है ना, इसका डोमेन वो लेना है, डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू वो लेनी है जो डिफाइंड वैल्यू है, बाकी इंफिनिटी डिफाइंड वैल्यू नहीं होती, क्या ये क्लियर है।
आपको नोट करना, नोट कर लो। अब इसका इंटीग्रेशन में क्या रोल है मैं आपको सिखा देता हूँ। इन्होंने बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, हम दो तीन कर लेते हैं। इसको और करके बताता हूँ, इसको ना स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। इसका ग्राफ ना सीढ़ियों की तरह से बन जाता है, सीढ़ियां होती हैं। इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, बस बता देता हूँ, समझाने और रहने दो। ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये ऑरिजिन। इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, इलेवेंथ में था एनसीईआरटी। शिखर सीढ़ी आ रही है चढ़ने के लिए, तो इसको बोलते हैं स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है। नोट कर लिया, दो तीन एग्जांपल देखो, ज्यादा जरूरत नहीं है। अब इसको इंटीग्रेशन में कैसे डाला हुआ है, पहले अपना क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आपको दूंगा एनसीईआरटी वाला। जब ये आएगा लिखा हुआ ऐसे क्वेश्चन, तो यहां पे मेंशन करके आएगा वेयर दिस ब्रैकेट डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, आप क्या करोगे, वन और फोर के बीच में जितने इंटीजर्स आते हैं उतने इसको ब्रेक करके इंटीग्रल बनाओ। तो पहले बताओ वन के बाद अगला इंटीजर कौन सा होता है, तो वन से टू का एक इंटीग्रल बनेगा। अब आप मेरे को बताओ टू से अगला कौन सा इंटीजर, तो टू से थ्री का एक ये दूसरा इंटीग्रल बनेगा, और सिमिलरली थ्री से फोर का एक ये बनेगा, तीन बनेंगे इंटीग्रल। अब आप मेरे को वन और टू के बीच में कोई रैंडम नंबर बोलोगे, 1.5 को यहां रख के फंक्शन सॉल्व करके बताओ, आपको आता है वन, तो पहला इंटीग्रेशन वन का करना है। अब आप मेरे को टू और थ्री के बीच में कोई नंबर बोलो, 2.5 यहां रखो, सॉल्व करो, तो टू का इंटीग्रेशन करना। तीसरा बोल दो, ये लो सॉल्यूशन स्टार्ट किया है हमने यहां से, ये हमने तीन बना रखे हैं। कैसे बनाया समझाना नहीं है आपको, आपको बनाने हैं बस। एक्स गायब हो चुका है, वन का इंटीग्रेशन एक्स, लोअर लिमिट वन अपर लिमिट टू, टू का इंटीग्रेशन टू एक्स, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट थ्री, थ्री का इंटीग्रेशन थ्री एक्स, लोअर लिमिट थ्री अपर लिमिट फोर। सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना आएगा सॉल्व करके बता दो, ये कितना आएगा डायरेक्ट बता दो, फिर कर लो ये बता दो आंसर। एक आप मुझे सिंपल वाला करके दिखा दो, एक आपको थोड़ा टेढ़ा करके दिखा दो। इंटीग्रेशन एक बार निबट जाता है जो एप्लीकेशन, फिर आपका यू खत्म हो जाता है। इंटीग्रेशन है जो टाइम लेता है, कोशिश ये करनी है आपको 40 में से 40 स्कोर करने की, उसके नीचे तो सोचना भी नहीं कि हमारे 38 आ जाए, 37 आ जाए या 35 आ जाए, बहुत है नहीं, आपको 40 में से 40 ही सोचना। हमेशा लाइफ में ना ख्वाब ऊंचे देखो, हमेशा ऊंचे ख्वाब देखो, जब बैठो ख्वाब ही को सोचते रहो। विजुअलाइजेशन समझते हो क्या होता है विजुअलाइजेशन, उस पिक्चर को दिमाग में बनाना जो आप चाहते हो। जैसे आप चाहते हो कि मेरे जब 40 में से 40 आएंगे इस बार, टम टू 50 आएंगे, तो मैं कितना खुश हो रहा हूँ, सबको रिजल्ट आ रहा हूँ, टीचर मुझे कॉन्ग्रेट्स कर रहे होंगे, यार दोस्त आ रहे होंगे, ये पिक्चर नौ दिमाग में, ये आपके सामने ना हाजिर हो जाए तो कहना। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये साइंस है, आप जैसा कर रहे हो वैसा आपको रिफ्लेक्ट होकर यूनिवर्स में से आ जाएगा। सबसे पावरफुल टावर आप ही तो होते हो, अगर मैं खड़ा हूँ मैं टावर हूँ, मैं जैसी फ्रीक्वेंसी भेज रहा हूँ वैसी मेरे को मैच होगी, वो मेरे को रिटर्न करेगी। वैसे ये फिजिक्स में चैप्टर आने वाला है, तो काफी कुछ आ गया है, बनारस विश्वविद्यालय इसको पढ़ाता है एज ए सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है, ये कोई ऐसा नहीं है कोई पूजा पाठ या कोई ऐसा, जो ये सब्जेक्ट है, बूमरैंग की तरह काम करता है। तो इसलिए हमेशा लाइफ में ऊंचे ख्वाब देखने हैं आप, ऊंचे ऐसे भी ऊंचे, इतने ऊंचे नहीं कि मैं प्रेसिडेंट बना हुआ, थोड़े से मतलब लिमिट में देखना जो पॉसिबल हो सकते हैं। यार मैंने इस ख्वाब को देख के ना बहुत कुछ कमाया जिंदगी में, यार बहुत कुछ कमाया, और बहुत कुछ मेरे पास वो है आज, सिर्फ ख्वाब देखता था बस मैं, और वो करता था विजुलाइजेशन। मेरे पास कार नहीं होती थी यार, मैं स्कूटी होता, मैं सोचता कार होगी यार मेरे पास, तो कार चला रहा हूँ, आंख बंद करके ना कार चल रहा, मैं ऐसे बैठे बैठा कार चला रहा हूँ, गियर डाल रहा हूँ, मैंने कार खरीद ली यार, पता ही नहीं चला कब खरीदी, पता ही नहीं चला।
कहां से पैसा अरेंज हो गया कुछ नहीं पता मेरे, बस हो गया अरेंज। चलो जी आप ट्राई करो, ये एनसीईआरटी का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट टू, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आसान से दिया हुआ, देखो कितना टू मार्क्स में आ सकता है ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। बता दो भाई आंसर सॉल्व करके जल्दी से, बहुत आसान दिया आपको तो। और हाँ तो जीरो बनाओ, और क्या अच्छी बात है ना, जीरो बनेगा तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, वन आंसर आ रहा है भाई, आंसर आने शुरू हो गए हैं, वैरायटी के अब ध्यान लगेगी। देखो अब मैं आंसर्स की एक शॉप बनाऊंगा यहाँ पे, बना रहा है, फोर आ रहा है जी तुम्हारा, हाँ रुका हूँ, हाँ मैं भी करूँगा, और ये बना लग जाए एक डस्ट राजा अच्छा था। जीरो वन के बीच में नंबर बोलना है, 0.5 ले लें, चलो 0.4 ले लो, कुछ भी ले लो, यहाँ जब 0.5 रखेंगे तो सॉल्व करके जीरो बना देगा ये इसको, तो आपको पहला इंटीग्रेशन तो जीरो का करना है। 1-2 के बीच में 1.3 ले लिया, 1.3 रखा तो ये इसको 1 बना देगा, तो दूसरा इंटीग्रेशन 1 का करना है, खत्म। जीरो का क्यों करेंगे, हटाओ इसे, जीरो का क्यों करेंगे, हम तो 1 का करेंगे, 1 का x होता है, इसमें लिमिट रखेंगे 2 और 1, आंसर 1 हो गया, तो कितना छोटा सा क्वेश्चन। अब इसमें एक लोचा है, समझो जरा, ये क्लियर हो गया सबको, समझा रहा हूं, आएगा ठीक है, नहीं आएगा कोई बात। चलो 1 और 3 के बीच में लेता हूं, बताओ क्या फर्क है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, कुछ फर्क इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, यहां 2x है, ये फर्क है, और ये बहुत बड़ा फर्क है, ये खाली x नहीं है, खाली x होगा तो यूं कर देंगे चुटकियों में। अब क्या करना है सुनो, 1 और 3 के बीच में जो जो इंटीजर्स आते हैं, कौन कौन से आते हैं, एक तो 1 ही हो गया भाई हमारे पास इंटीजर, अगला इंटीजर क्या होता है 2 होता है, अगला इंटीजर 3 होता है, बस 3 तक लेंगे। तो पहले आप इस 2x को 1 के इक्वल रखो, 2x को मन में रखो 1 के इक्वल, x की वैल्यू कितनी आएगी 1.5, क्या वो 1 और 2 के बीच में आती है, सॉरी 0.5 आएगी। तो आपका जो पहला इंटीग्रेशन है, जैसे अब आपकी ये वैल्यू कितनी आ रही है, जब मैं 2x को 1 से इक्वेट कर रहा हूं तो 2x वैल्यू आ रही है आपकी 0.5, 0.5 इसके पीछे है, राइट, तो 0.5 वापस बताना, फिर से बताता हूं, एक मिनट बच्चों को मेरी बात समझ नहीं आई, फिर से समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये मेरे पास 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 3 है, मुझे सबसे पहले ये इंटीजर फंक्शन को खत्म करना होता है, उसके लिए हम क्या कर रहे थे अभी, 1 और 3 के बीच में कोई नंबर लेके यहाँ पुट कर रहे थे इंटीजर से ब्रेक करके, और इसको सॉल्व करके वो नंबर बना के इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे थे, जब ये हमारे पास 2 नहीं था, जब ये 2 नहीं था, अब यहाँ पे 2x आ गया, तो आपने क्या किया, सबसे पहले इसको, ये इंटीजर्स होते हैं ना आपके, ये इंटीजर्स हैं, तो पहले आपने 2x को 1 से इक्वेट किया, मैं करके दिखा देता हूँ, तो x की वैल्यू कितनी आई 1/2, 1/2 का मतलब 0.5। अब आप 0.5 देखो, 1 और 2 के बीच में ये वैल्यू लाइन नहीं कर रहे, तो आप 2x को अगला इंटीजर 2 से इक्वेट करो, x की वैल्यू कितनी आती है 1 आती है, अब आप 2x को अगला इंटीजर है 3 इससे इक्वेट करो, x की वैल्यू कितनी आती है 1.5। पहले बताओ ये क्लियर है, 3x की वैल्यू, इसमें से कौन कौन सी वैल्यू है जो 1 और 3 के बीच में लाई करती है, ये तो लाइन ही करती ना, तो एक तो 1 हो ही गई और एक 1.5 हो गई, राइट। अब आपके देखो दो इंटीग्रेशन कैसे बनेंगे, 1 से स्टार्ट होगा आपका इंटीग्रल, एक इंटीग्रल जाएगा 1.5 तक और दूसरा इंटीग्रल जाएगा 1.5 से लेकर कहां तक, सीधा 3 तक। पहले आप मुझे ये लिमिट्स बताओगे तो मैं आगे जाऊंगा, वरना आगे नहीं जाऊंगा। मैंने क्या किया है, फिर से सुनो, इस 2x को लोअर लिमिट 1 थी, अपर लिमिट 3 थी, उसके बीच में इंटीजर 2 आया, सारे इंटीजर लिख लिया हमने अभी, पहले मैंने 2x को 1 के इक्वल रखा, x की वैल्यू 1/2 आई, फिर मैंने 2x को 2 के इक्वल रखा, x की वैल्यू 1 आई, फिर मैंने 2x को 3 के इक्वल रखा, x की वैल्यू 1.5 आई, 3 के आगे मेरे को नहीं जाना क्योंकि मेरी अपर लिमिट 3 है। अब मैंने देखा ये वैल्यू को मैंने क्रॉस लगा दिया क्योंकि ये वैल्यू मेरी 1 और 3 के बीच में लाई नहीं करती है, तो मेरी वैल्यू लाई करती है 1, 1 मेरी लोअर लिमिट हो गई,
अगली वैल्यू 1 के बाद कौन सी है 1.5, ये मेरी अपर लिमिट होगी। एक इंटीग्रल तो ये बन गया और दूसरा इंटीग्रल 1.5 से 3 तक का एक ये बन गया। अब आप मेरे को 1 और 1.5 के बीच में कोई नंबर बोलेंगे, 1.1, 1.3, 1.2 करोड़ नंबर है कोई भी ले लो, तो 1.1 लिया, चलो 1.1 को यहां रखकर 2 मल्टीप्लाई करो, 2.2 को सॉल्व करके बताओ क्या आएगा 2, तो पहला इंटीग्रेशन आपको 2 का करना, ठीक है। अब चलो 1.5 और 3 के बीच में नंबर बोलो, 2 ले लो, ठीक है, 2 को यहां रखो, 4 को सॉल्व करो, तो आपको दूसरा इंटीग्रेशन 4 का सॉल्व करना, दैट्स ऑल राइट। अब 2 का इंटीग्रेशन बोलो, 2x लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 1.5, 4 का इंटीग्रेशन 4x लोअर लिमिट 1.5 अपर लिमिट 3, 1.5 रखोगे 3 हो जाएगा, 1 रखोगे 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 प्लस, यहाँ पे 3 रखोगे 12 हो गया और यहाँ पे डेढ़ रखोगे 6 हो गया, तो 12 माइनस 6 6, फाइनल आंसर 7। समझा दिया है, नॉलेज समझ के कर लो, मेरे को लगता नहीं कि बोर्ड में इसको देंगे, नहीं आएगा, ये टीचर से नहीं होता, ये पता है। फिर एक और करा दो ऐसा, एक और कर लो ऐसा, लो जी डिमांड आई है जी, एक और कर लो। छोटा दूंगा ना आपको, वन से थ्री के बीच में फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर और उसके अंदर 4x है, एक बार ट्राई करके देखो, जल्दी से करना भी लेके, एक और हो जाएगा। बड़ा सूख गया है, पानी है नहीं, वन और थ्री तक के सारे इंटीजर लिख लो, एक नंबर लाइन पे वन और थ्री के सारे इंटीजर लिख, बोलो बोलो जल्दी बोलो, वन और थ्री के बीच में एक इंटीजर आएगा टू, तो वन टू नहीं, ये थ्री है ना, तो थ्री तक ही बनाओ ना, फोर नहीं बनाना, हाँ बस ये तीन बनाना है, इसको तो एक इंटीजर नहीं आ रहा है, एक भी वाली बीच में नहीं आ रही कहीं भी, नो सर। अच्छा सब लेस देन वन, हाँ अब क्या करें, नहीं मान लो अगर ये है तो मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, मान लो लेकिन यही है, तो आपने क्या किया है देखो, आपके मैं स्टेप्स रिपीट कर देता हूँ, यहाँ वन लिखा, फिर टू लिखा, फिर थ्री लिखा, ठीक है, फिर आपने पहले 4x को 1 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू 1/4, फिर आपने 4x को 2 के इक्वल पुट किया x की वैल्यू 1/2, फिर आपने 4x को 3 के इक्वल पुट किया x की वैल्यू 3/4, इनमें से कोई भी नंबर इन दो लिमिट्स के बीच में लाई नहीं करता है, नहीं करता है तो अच्छी बात है, हटाओ, इनमें से कोई भी लिमिट इस इंटीग्रेशन को ब्रेक नहीं कर पाई, दो नहीं बना पाए हम इंटीग्रेशन, एक इंटीग्रेशन रखेंगे वन और थ्री के बीच में, और आप मुझे वन और थ्री के बीच में कोई नंबर बोल दो, अब टू। अब आप क्या करोगे देखो, जब कोई लिमिट इसमें ब्रेक नहीं हो पा रही है तो आप इसमें वन से टू का एक इंटीग्रल और टू से थ्री का एक इंटीग्रल ऐसे बना, आप इसी को ब्रेक कर लोगे ना, जब है नहीं कोई, तो एक वन से टू का बन गया, टू से थ्री का बन गया, वन और टू के बीच में कोई नंबर बोलो, 1.5 यहां रखकर 4 मल्टीप्लाई कर लो, 6 का इंटीजर सॉल्व कर लो, फंक्शन 6 हो गया, अब प्लस 2 और 3 के बीच में नंबर ले लो, 2.5 इंटू 4 कर लो, 10 को सॉल्व कर लो, ये 10 हो गया। जब कोई वैल्यू इसमें से काम नहीं आएगी तो अच्छी बात है, छोड़ो, फिर आपका एक इंटीग्रल ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। इसको ब्रेक करने का मोटिव क्या होता है? एक्चुअली इनके जो ग्राफ होते हैं ना, वन और थ्री के बीच में इसका जो ग्राफ होगा वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो हमको ये देखना पड़ता है एक्स एक्सिस पे वन और थ्री के बीच में कौन सा ग्राफ, मान लो हो सकता है वन थ्री के बीच में एक ग्राफ तो ऐसे हो और एक ग्राफ इसका ऐसे हो, तो ये दोनों अलग अलग ग्राफ वन और टू के बीच में इसके अंडर का एरिया निकलता है और टू और थ्री के बीच में इसके अंडर का एरिया निकलता है,
तो एक्चुअल में ये दो लाइन अलग अलग हो जाती है, इसलिए हमें इसको दो बार ब्रेक करना पड़ता है। ये ना और भी डीप थ्योरी है, मैं और जाना नहीं चाह रहा, बस इतना समझो। आप इसके बीच में कोई भी ले सकते हो, 1.5 ही लिया मैंने यहाँ पे चेक करने के लिए। हाँ हाँ नहीं, अब आप ना इन इंटीजर से ब्रेक करोगे ना, क्योंकि यहाँ से कोई वैल्यू नहीं आ रही आपके पास, तो आप फिर इंटीजर्स भी ब्रेक करोगे इसको अगर नहीं आती। आगे चले, आप नॉर्मल वाले करना प्रैक्टिस, 4x 5x वाले करने की जरूरत नहीं है, मैंने समझा दिया है। बिल्कुल भाई, हैंडबुक में तो दी हुई है, आरडी शर्मा में नहीं। मैं चेक कर रहा था, आरडी शर्मा में एक भी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन और इसमें कम से कम इसको 10 क्वेश्चन दिए हुए, 10 क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज के। कम से कम प्रॉपर्टी क्या है पहले समझो, खास टाइप का इंटीग्रल होता है। लोअर लिमिट जीरो होनी चाहिए, हमेशा जीरो होनी चाहिए, अपर लिमिट कोई भी नंबर चलेगी, कोई भी नंबर, इंटीग्रैंड कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टी कहती है आप इंटीग्रैंड को चेंज कर लो। क्या करना है, जीरो ए में चेंज मत करना, हमने कहा अच्छा नहीं करेंगे तो ये नहीं करेंगे। क्या करना है, ये जो एक्स है इंटीग्रैंड में, जो एक्स फंक्शन है, इस एक्स को आप रिप्लेस कर सकते हो अपर लिमिट माइनस एक्स से, ए माइनस एक्स करके यहां रिप्लेस करके फिर इंटीग्रेशन कर सकते हो। लेकिन बात आती है ऐसा क्यों करना है, इसी का इंटीग्रेशन नहीं कर लेंगे क्या हम इसको, बल्कि ऐसा लिखने से लग रहा है और कॉम्प्लेक्स बन चुका है ऐसा लिख रहा है, लेकिन बहुत काम की चीज है। देखो एक एग्जांपल, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट टू, या लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट वन, लॉग 1x - 1 dx। कुछ बच्चे इसमें बायपार्ट लगा के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और कोशिश कामयाब हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाता है, लेकिन बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। हम इसको प्रॉपर्टी से करें ना, इस वाली प्रॉपर्टी से दो लाइन में सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो सबसे पहले इस इंटीग्रल को मैंने सपोज किया, जो भी इसकी वैल्यू है लेट से आई है, इसकी वैल्यू जो भी आंसर आएगा वो आई है। अब आप मेरे को बताओ इस फंक्शन में एक्स कहाँ पे है, ये रहा एक ही जगह पे, इस एक्स को रिप्लेस करने वाले हैं हम किससे, 1 - x, a माइनस एक्स का मतलब 1 - x। मैं क्या लिखूंगा, देखो log 1/(1 - x), बाकी सब कुछ सेम लिखना है, सब कुछ सेम किया है, बस इस x के प्लेस पर क्या कर दिया, 1 - x। ऐसा करने से इंटीग्रल की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पहले भी आई थी और ये अभी भी आई है। इतना क्लियर हुआ आपको, आगे क्या फायदा हो रहा है, वही अच्छा था, ये तो और अजीब सा हो गया। फायदा तब होता है जब आप इन दोनों इंटीग्रल को ऐड करके एक सिंगल बना लेते। अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो i + i कितना हो जाएगा, 2y। ये दोनों इंटीग्रल सेम है तो लिमिट एक ही आएगी, 0 to 1। अब मेरे को बताओ, दो लॉग ऐड करने आपको आते हैं, जब दो लॉग ऐड होते हैं तो क्या होता है, दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, राइट। तो मैं एक लॉग लिखूंगा और इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। जरा इसको एलसीएम लेके सॉल्व करके बताओगे क्या आ रहा है, एक मिनट में लिख लेता हूँ, 1 - x / x मल्टीप्लाई। जरा इसका भी एलसीएम लेके बोलना है, यहाँ पे ये यहाँ पे आ जाएगा ना एलसीएम लेके, 1 - 1 + x / 1 - x। क्या ये स्टेप आपको सही में आया, मैंने इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया है और साथ साथ मैंने क्या किया, एलसीएम वगैरह भी ले लिया। अच्छा जरा सॉल्व करें इसको अंदर अंदर, ये तो 1 से 1 कट गया, 1 - x से 1 - x कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, बचा क्या है, लॉग वन, और लॉग वन क्या होता है, 0। क्वेश्चन ही खत्म हो गया, लो कल्लास, ये बन गया 0 to 1 लॉग वन, और लॉग वन की वैल्यू हमेशा 0 होती है किसी भी बेस पर, इसलिए आपका जो 2y है वो तो 0 है, तो फिर आपके i की वैल्यू क्या है, वो भी 0 है। इंटीग्रल कहीं सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, इस इंटीग्रल की वैल्यू 0-1 लिमिट के बीच में कितनी आ रही है, 0 आ रही है। इस टाइप के क्वेश्चन आपकी हैंडबुक एनसीईआरटी में दिए हुए, आया समय में प्रैक्टिस तो करेंगे, दिए हुए तो करके जाओ। सिर्फ एक्स की जगह वाली सब्स्टिट्यूट करनी है, राइट, जो भी एक्स होगा ना यहाँ पे आस्था, जितने भी एक्स नजर आएंगे जहां पे भी, मेरे को एक ही एक्स नजर आया, तो इस एक्स को हमने रिप्लेस किससे कर दिया, अपर लिमिट जो भी दी हुई होगी वो माइनस एक्स करके लिख दिया। और प्रॉपर्टी का अच्छे से फायदा उठाना है तो क्या करना है आपको, हमेशा ये जो पहला क्वेश्चन था जिसको आपने आई माना था
और प्रॉपर्टी लगा के जो आया इन दोनों को ऐड कर लो, असली फायदा तब नजर आएगा आपको इस प्रॉपर्टी का। अगर आप ऐड नहीं करोगे तो फायदा नहीं आएगा। ओके सर, क्लियर है? टाइम है अभी अपने पास क्वेश्चन करूं कुछ? भूख लग रही है। नहीं नहीं स्किप मत करो, आप स्किप मत करो। आ गया तो आप सैंपल पेपर देखो, प्राइवेट पब्लिशर्स के हैं जो, मैं इसको नहीं करवाता, लेकिन आपने जो ई हैंडबुक दी मेरे को एनसीईआरटी की, इसमें देखो क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रॉपर्टी के 10 क्वेश्चन है कम से कम। अगर एनसीईआरटी अपनी बुक ऑफिशियली सबको दे रही है पब्लिक में और उसमें क्वेश्चन प्रिंट कर रही है तो करके जाओ, क्यों घबरा रहे हो? कुछ नहीं पता अभी तो, मुझे ये नहीं पता एग्जाम होगा नहीं होगा। होगा अरे जून में आ रही है ना, कोरोना वेव आ रही है।